कानपुर देहात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों की लगी लंबी कतार, चिकित्सा अधीक्षक ने संभाली कमान। बदलते मौसम की वजह से सर्दी जुकाम खांसी से पीड़ित मरीजों की बढ़ रही संख्या। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 डॉक्टरों के स्थानांतरण के बाद डॉक्टर के अभाव से मरीजों की लग रही लंबी कतार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के अभाव को देखते हुए चिकित्सा अधीक्षक की मांग पर सीएमओ ने नियुक्त किए 2 डॉक्टर। नियुक्त हुए डॉक्टरों ने नहीं संभाला चार्ज। रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक पीयूष त्रिपाठी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए इमरजेंसी में बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक की कार्यशैली को लेकर मरीज व तीमारदार प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर्स एक्चुअली हमारे यहाँ जुलाई के महीने में 3 डॉक्टर्स का यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, और जिसकी वजह से यहाँ डॉक्टर्स की कमी हो गई है। और इसके संबंध में मैंने सीएमओ साहब से आग्रह किया था डॉक्टर्स के यहाँ नियुक्ति के लिए। सीएमओ साहब ने यहाँ डॉक्टर्स को 2 डॉक्टर्स को यहाँ भेजा भी था, लेकिन किंतु किसी कारणवश उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है। और मैंने पुनः सीएमओ साहब से आग्रह किया है कि कृपया करके 2 डॉक्टर्स को अतिशीघ्र भेजें, क्योंकि रसूलाबाद बहुत ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ इमरजेंसी और ओपीडी में बहुत ज़्यादा संख्या में मरीज आते हैं। उन्होंने सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही रसूलाबाद में 2 डॉक्टर्स को भेजेंगे। मरीज किस से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब किस बीमारी से ग्रसित मरीज आ रहे हैं ज़्यादा? इस समय ज़्यादातर मरीज सर्दी खांसी जुकाम वाले आ रहे हैं। अब सांस वाले मरीज भी आने शुरू हो गए हैं, और अब जैसे जैसे धीरे देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।